अगर इंसान के जज्बात को हम किसी धागे पे रख देते तो ये जो खुला, ये जो आजाद वाला सिरा है, ये होती खुशियां, हैप्पीनेस। और ये जो बंद सा, भारी सा बंधा पड़ा है, यहां होती उदासी। अधिकतर लोग ना ही एकदम खुश होते हैं और ना ही एकदम दुखी होते हैं, और उनकी भावनाएं कहीं यहां बीच में रहती हैं। पर जिसे बाइपोलर होता है, उसकी भावनाएं हमेशा भागती रहती है, उसकी भावनाएं बहुत उथल पुथल करती हैं। जिसे बाइपोलर होता है, उसे बहुत ज्यादा महसूस होता है और उसे बहुत जल्दी जल्दी भी महसूस होता है। होता यह है कि जब कोई इंसान बाइपोलर में एकदम खुश होता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब उड़ते हुए बलून जितना खुश। उन्हें बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, उनको ऐसा लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सोने की भी जरूरत नहीं है। रात की 3-3 बजे वो खुशी खुशी काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं। उन्हें इतना अच्छा महसूस होता है कि इस कंडीशन का एक्चुअली एक मेडिकल नाम है मेनिया, और मेनिया के बाद आता है डिप्रेशन। क्योंकि बाइपोलर में ना, जब इंसान उदास महसूस करता है तो वो वाकई बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और डिप्रेशन हालांकि अपने आप में एक बीमारी है, पर बाइपोलर में वो बस एक लक्षण है। इस डिप्रेशन फेज में हो सकता है उन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आए, तो इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगी कि अगर आप चाहें तो डिप्रेशन की CBT भी मेरे चैनल पे है, जाके देखिए, या ऊपर ये जो कार्ड है इसको क्लिक करिए और डिप्रेशन की CBT भी देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। डिप्रेशन के फेज़ में इंसान की एनर्जी कम हो जाती है, उसका हर चीज़ से ध्यान चला जाता है और उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता। मतलब दिन की 3 बजे भी उसका बॉस उसका ऑफिस में इंतज़ार कर रहा है और वो महाशय घर पे बैठ के सो रहे हैं, और इसीलिए बाइपोलर का नाम मेनिक डिप्रेशन भी रखा गया है। बाइपोलर के भी कई तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। कई बार कुछ लोग बाइपोलर में ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार कुछ लोग बाइपोलर में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस और खुश दोनों होते हैं और साथ साथ होते हैं, और कुछ लोग दोनों ही नहीं होते हैं और फिर भी उन्हें बाइपोलर होता है। अच्छा, वैसे बाइपोलर और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फ़र्क होता है। कई लोग समझते हैं कि बाइपोलर मतलब उस इंसान के कई चेहरे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ऐसा नहीं है, उस इंसान की एक ही पर्सनैलिटी है, मल्टीपल पर्सनैलिटीज नहीं है। पर हाँ, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें महसूस करता है, इसलिए उस इंसान को समझ पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बाइपोलर के बारे में अभी तक डॉक्टर्स भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, तो हम तो क्या ही समझेंगे। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर बाइपोलर एक डब्बा होता, ये डब्बा अगर ये बाइपोलर होता, तो हमें नहीं पता होता कि इस डब्बे को कैसे बनाया गया। पर हमें ये ज़रूर पता है, बहुत ही ख़राब जीवन शैली, खराब रिश्ते, खराब फ्रेंड सर्कल, आसपास गंदा माहौल, बैड सोसाइटी के कारण होने वाला हार्ट ब्रेक, और जेनेटिकली फैमिली से पास होने वाली बीमारी है बाइपोलर। पर तुम अकेले नहीं हो, इंडिया में हर साल 1 करोड़ नए लोगों में बाइपोलर डायग्नोज होता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हालांकि दवाइयों से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, पर यहाँ पे दवाई से ज्यादा असरकारक होती है ये। बाइपोलर की CBT के लिए हमें सबसे पहले हमारे पैटर्न समझने हैं कि हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है। कई बार जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो हो सकता है मैं बहुत शॉपिंग कर लूँ। बाइपोलर में देखा गया है कि इंसान जब अपने मेनिया वाले फेज में होता है, वो बहुत पैसे खर्चता है और उसको पैसे खर्चने के बाद बहुत अच्छा भी लगता है, पर जब वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च देता है तो उसके पास पैसे बचते नहीं है और वो एकदम से फिर दुखी भी हो जाता है। तो पहले तो हमें ऐसी चीज़ें हटानी हैं जो हमें एक वक्त के लिए खुश करती हैं फिर दुखी कर देती हैं। तो ये पैटर्न्स हमें सबसे पहले तोड़ने हैं और हेल्दी पैटर्न्स बनाने हैं, जैसे कि ताज़ा फल, टाइम पे सोना और टाइम पे उठ के कसरत करने जाना, जिम जाना, नाइस। और सबसे सबसे बढ़िया तरीके से जब हम इसको लड़ेंगे, तो हम एक और चीज़ करेंगे जो है
खुद को एक्सप्रेस करना, बाइपोलर में खुद को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी महसूस कर सकते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि उन चीज़ों को कहते क्या हैं। तो हमें अपने हिसाब से उन भावनाओं को एक नाम देना है और उसको लिखना है, ठीक है, मतलब टाइपराइटर नहीं है तो डायरी में भी लिख सकते हैं। इस डायरी में हमें पूरी कहानी नहीं सुनानी, पर हमें पूरा तर्क करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं तो हमें खुद को ये समझाना है कि ये दुख सिर्फ हमारे माथे में है और हमारी ज़िंदगी बहुत सही चल रही है और चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारा बहुत पार्टी करने का मन है, तो हमें इस डायरी में खुद को एक पेज में लंबा चौड़ा ज्ञान देना होगा कि ऐसा करने के नुकसान क्या है। और बाइपोलर की CBT में सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ है बातें। बात करो यार, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे किसी दोस्त को बाइपोलर हो सकता है तो उन्हें बताओ बाइपोलर के बारे में। उन्हें बताओ कि खुश होके एकदम से सारे पैसे उड़ा देना गलत है, उनका कार्ड ही ले लो, इनफैक्ट कहीं लो ही मत उनका कार्ड। उन्हें बताओ कि ज़्यादा दारू पीना खराब है, दारू छीन लो उनके हाथ से, क्या है गुस्सा ही तो होगा, और गुस्से में ही उसे बाहर ड्राइव पे कहीं शानदार सी जगह ले जाओ, क्योंकि खुशियां मनाने के अच्छे तरीके सिखाओ उन्हें। और अगर वो बहुत उदास हैं तो उनके दिल को जोड़ो। बाइपोलर में इंसान की कमजोरी होती है कि उसे एक साथ बहुत कुछ महसूस होता है और अक्सर जहर को जहर ही काटता है। तो जब उनकी प्रॉब्लम ही भावनाएं हैं तो उन्हें भावनाएं सुलझा के दो। इन सुलझी हुई भावनाओं के थ्रू वो अपने आप को खुद फिक्स कर लेंगे। और मैं इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती हूँ, ये वाले वीडियोस भी देखिए, बहुत हेल्प करेंगे। और क्योंकि ये वीडियो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।